आपको ये धंधे में 1 किलो के पीछे 15 से 20 रुपया आराम से मिलता है। नहाने का साबुन में 15 से 20 रुपया आपको मिलता है, 5,000 रुपये का आपको पड़ने का 5,000, हाँ आपको प्रॉफिट मिल सकता है। नमस्कार दोस्तों, आज हम नहाने के साबुन बनाने के बिजनेस के बारे में जानेंगे। दोस्तों ये बिजनेस कभी नहीं रुकने वाला बिजनेस है, ये बिजनेस हर रोज चलने वाला बिजनेस है, हर सुबह चलने वाला बिजनेस है। तो हम मिलेंगे हितेश भाई से। हितेश भाई नमस्कार। नमस्कार हितेश भाई, हमें बताएं कि हम नहाने का साबुन कैसे बना सकते हैं और इसके लिए कौन सी मशीनें यूज़ होती है। अच्छा रौनक भाई, नहाने का साबुन बनाने के लिए छोटे से छोटा प्लांट जो है वो उसमें सारे के मशीन मिक्सर मशीन यूज़ होता है, इसमें सिग्मा मिक्सर बोलते हैं उसको। सिग्मा मिक्सर जो होता है वो नहाने का साबुन बनाने के लिए पूरा मशीन डायरेक्ट जो कॉन्टैक्ट पार्ट रहता है वो स्टेनलेस स्टील का रहता है। तो मिक्सर मशीन का पूरा अंडर का टोटल पार्ट कॉन्टैक्ट पार्ट रहेगा वो स्टेनलेस स्टील का रहेगा। मिक्सर मशीन में मटेरियल मिक्सिंग होगा, उसके अंदर सबसे पहले नूडल्स डालना पड़ता है। नूडल्स मिक्स होने के बाद उसमें कलर और परफ्यूम मिला के सुधा उसका मावा तैयार होता है। तो वो मावा गट्ठा फॉर्म में होता है और जो गट्ठा होता है वो निकालने के बाद, ये ट्रिपल रोल मिल मशीन है, ये 3 रोल से मटेरियल जब ये गट्ठे उसके अंदर जाएंगे और 3 रोल में से पास होके बाहर निकलेंगे तो एकदम मुलायम हो जाएगा और कापड़ की तरह वो बाहर निकल जाएगा। तो ये मशीन के अंदर आपका मटेरियल पूरा होमोजीनियस मिक्सिंग हो जाएगा। जैसे हमारा जो साबुन बनता है वो हमारे बॉडी को टच करते हैं तो उसमें बिल्कुल सी कनी नहीं होनी चाहिए, एकदम मक्खन जैसा होना चाहिए साबुन। तो ये मक्खन जैसा साबुन जो बनाता है उसका मेन पर्पस ये ट्रिपल रोल मिल है। वो ट्रिपल रोल मिल में मटेरियल को पूरा 2 बार करने से आपका मटेरियल एकदम होमोजीनियस और प्योर एक बिना कणी वाला मटेरियल निकल जाता है। वो उसका जो पेपर जैसा जो निकलेगा, जो अपना कपड़े जैसा जो बाहर निकलेगा, वो मटेरियल को चूरा करके आपको ये डुप्लेक्स प्लोडर बोलते हैं उसको, ये प्लोडर मशीन के अंदर आपको मटेरियल डालना है, फीड करते हैं तब ये डुप्लेक्स प्लोडर यानी कि वैक्यूम प्लोडर है, उसमें से ऊपर का जो प्लोडर है वहाँ से नूडल्स बनके ये नीचे गिरेगा ऑटोमेटिक। दूसरा नीचे गिरने के बाद प्लोडिंग होके यहाँ से आपका नोजल थे आपका लंबा बार निकलेगा, उसमें 2 बार प्लोडिंग करने से आपका साबुन की क्वालिटी एकदम बढ़िया बनती है। और ये उसमें वैक्यूम चैम्बर जो रहता है तो आपका साबुन मॉइस्चर फ्री और टाइट साबुन बनता है, उसका फिनिशिंग भी बहुत बढ़िया आ जाता है। कई लोग सिंप्लेक्स प्लोडर से भी साबुन निकाल लेते हैं, चलता है, उसमें कोई बड़ा बात नहीं है, लेकिन आप डुप्लेक्स प्लोडर लो तो प्रीमियम क्वालिटी का साबुन बन सकता है। तो प्लोडर में से लंबा बार जो निकलेगा फिर बाद में उसका छोटा पीस कट करके स्टैंपिंग फुट ऑपरेटेड स्टैंपिंग मशीन रहता है, वो उसमें डाई रहता है, जैसा आपका लक्स डव पियर्स आपको जैसा नंबर 1 गोदरेज नंबर 1 जैसा जो भी आप डाई हमको बोलेंगे वो हम आपको डाई बना के देंगे, ब्रांड नेम आपका हम उसके ऊपर करवा के दे देंगे। तो वो जो साबुन का जो डाई बनेगा तो वो डाई हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, आपका जितने ग्राम का 75 ग्राम का 100 ग्राम का 120 ग्राम का आपका जो ग्राम का साबुन बनाना है वो डाई हम बना के देंगे। वो फूट ऑपरेटेड स्टैंपिंग मशीन के ऊपर लग जाएगा और आपको छोटा पीस उसके रख के फूट स्टैंप करेंगे, आपका साबुन तैयार हो जाएगा। इतना ही है उसके अंदर। दोस्तों नहाने का साबुन में हम बहुत ही अच्छी कमाई कर सकते हैं क्योंकि हर दिन हर रोज चलने वाला बिजनेस है। छोटे से छोटा बच्चा या बड़ा हो या जवान हो या बूढ़ा हो, कोई भी हो, नहाने का साबुन को उसे हर रोज चाहिए, इसीलिए ये बिजनेस कभी रुकने वाला नहीं है। और इसके लिए आपको ये मिक्सर मशीन उसमें सबसे पहले मिक्सर मशीन, उसका ट्रिपल रोल मिल, डुप्लेक्स प्लोडर, मैनुअल कटर और स्टैंपिंग, इसके लिए आपको 5 मशीन की जरूरत होती है। दोस्तों जब आप इस मशीन को खरीदोगे ये बिजनेस करने के लिए तो ये आप हितेश भी आपको पूरी सहायता देंगे और कौन सी मशीन किस तरह की यूज़ करनी है वो भी आपको देखा देंगे, पूरी आपको बनाने साबुन बनाने की प्रोसेस आपको सिखा दी जाएगी, उसमें क्या केमिकल यूज़ करना है, कौन सा परफ्यूम डालना है और किस तरह से आपको मक्खन जैसा बनाना है और किस तरह से आपको अपने कंपनी का लोगो लगाना है, वो सब कुछ आपको यहाँ इस हितेश भी आपको कंपनी में आपको सिखा देंगे। और आप मशीन खरीदने के बाद भी आपको कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो भी हितेश भी आपको पूरा सपोर्ट देंगे। तो
नितेश भाई, हम ये मशीन नई में क्या मेंटेनेंस है और आपकी कंपनी किस तरह से उसका सॉर्ट आउट करती है वो आप हमारी? वैसे हमारे मशीन बहुत स्टडी है, मशीन के अंदर कोई ज्यादा मेंटेनेंस है नहीं उसके अंदर, ओनली फॉर ग्रीसिंग और ऑयलिंग करना पड़ता है। गियर बॉक्स के अंदर हर 6 महीने में ऑयल चेंज करना है, और ये ड्राइव गियर है उसके अंदर भी ऑयल चेंज करना रहता है हर 1 साल या 6 महीने में। ग्रीस पॉइंट के ऊपर ग्रीस करना है, बाकी मशीन में इतना स्टडी रहता है कि उसमें टूट फूट होने का कोई चांस नहीं है। और बाकी ये मशीन मेंटेनेंस फ्री मशीन बोला जाए तो अच्छा बोल सकते हो। दोस्तों ये मेंटेनेंस फ्री मशीन है, और ये मशीन हम किस तरह से यूज, दोस्तों जब आप ये मशीन खरीदोगे ना तब आपको पूरी उसकी प्रोसेस आपको सिखा दी जाएगी। टेक्नीशियन भी है वो आपकी प्लेस पर आएगा और आपका पूरा मशीन का कैसे वर्किंग करना, उसका मेंटेनेंस कैसे करना, यदि आपको साबुन या पाउडर या नहाने का साबुन बनाना नहीं आता है तो वो आपको पूरा हफ्ता दिन रुकेगा और आपको सिखा के वापस आएगा। सही है, सही है, आपकी मेंटेनेंस सही है। और ये समझ लो कि हमारे गुजरात से बाहर किसी को खरीदना हो, हाँ, तो आप मशीनरी किस तरह से आप उसको दे सकते हो? समझ लो कि वो ट्रांसपोर्टेशन से आप कर भेज सकते हो, हाँ, या आपको उसको खुद आना पड़ेगा या किस तरह से आप? हमारा गुजरात और गुजरात के बाहर का ही बिजनेस है, और हमारा 30 कंट्रीज में एक्सपोर्ट भी चलता है, तो गुजरात के बाहर वाले जो लोग हैं वो हमको ऑर्डर प्लेस करते हैं, हम इधर कंप्लीट मशीन एडवांस मंगवा लेते हैं, हमारा 40% मिनिमम एडवांस हम लोग लेते हैं, और मशीन बनने के बाद उनका फोटो वोटो भेजने के बाद उनका बैलेंस पेमेंट आ जाता है, हम इधर से मशीन को अच्छी तरह से स्क्रैच पैकिंग करके ट्रांसपोर्ट में उनको ये सब करने की वहाँ से ज़रूरत नहीं है, हम इधर से ही सब मैनेज करके दे देते हैं। ट्रांसपोर्टेशन चार्ज और टैक्स का जो चार्ज है वो उनको पे करना पड़ता है। दोस्तों आप दुनिया में कहीं भी रहते हो या पूरा देश भारत में कहीं भी रहते हो, कोई भी तालुका जिला में रहते हो, आपको ये बिजनेस करना है तो ये मशीनरी आप इसे ऑनलाइन भी खरीद सकते हो, या तो यहाँ आकर भी खरीद सकते हो, या आप फोन कॉल के भी आप उसको देकर आप खरीद सकते हो। कुछ भी आप बिजनेस करना है तो इस तरह से आप कोई भी तरह की आप उसे संपर्क कर सकते हो। सही है। और ये किस कितना खर्च होता है साबुन बनाने का बिजनेस में, कितना खर्च होता है? ये नहाने का साबुन बनाने के लिए आपको मिनिमम उसका मशीनरी कॉस्ट मिला के आपको 8 लाख का खर्चा बैठेगा, और आपको पास टोटल 11 लाख का मिनिमम 10 से 11 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है, तो आप ये बिजनेस कर सकते हो। और इसका प्रॉफिट किस तरह का है? ये आज के दिन में हम जो नूडल्स का रेट है वो मिला वो देखा जाए तो आपको ये धंधे में 1 किलो के पीछे 15 से 20 रुपया आराम से मिलता है। नहाने का साबुन में 15 से 20 रुपया आपको मिलता है, एक साबुन या 1 किलो की? 1 किलो के पीछे। दोस्तों 1 किलो साबुन आप बेचोगे तो आपको 15 से 20 रुपया आपको मार्जिन रहेगा, पूरा खर्च निकाल के समझ लो कि इसमें मशीन की कॉस्ट आ गई और रॉ मटेरियल्स आ गया, लाइट बिल आ गया, मशीन लेबर को आ गया, सब आ गया, और आपको 1 किलो के साबुन बनाने के बिजनेस में साबुन बनाकर बेचने में आपको 15 से 20 रुपये आपको मिलेगा, आराम से मिलेगा। हितेश भाई ये बिजनेस हम गांव में शुरू कर सकते हैं ना? रौनक भाई ये एक बहुत अच्छा सवाल किया आपने कि ये गांव में चालू कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। रौनक भाई सबसे बढ़िया जो मार्केट है वो गांव का ही है। हाँ जी, आप जो शहरों को छोड़ के शहरों में आपको कंपटीशन आएगी, आप छोटे गांव में या तो आप बनाओ शहर में और बेचो गांव में तो भी बढ़िया रहेगा, और गांव में आपका खुद का जो जमीन है ये है अपना घर है तो आप हर एक गांव में, आपको मैं बताऊं कि 30 साल हो गया हमने इंडिया के इतने छोटे छोटे गांव में मशीन भेजे हैं कि जिसका हमने कभी नाम नहीं सुना है, इतने सारे राज्य के अंदर छोटे 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 जो गांव है, तो हरेक गांव गांव के अंदर ये साबुन और पाउडर का बिजनेस चालू हो गया है, और भी ज्यादा चालू होगा क्योंकि पॉपुलेशन जितना ज्यादा है उतना प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा और अपना खुद का नाम बना के सब लोग बेचते हैं। दोस्तों ये बिजनेस हम गांव से भी शुरू कर सकते हैं, साबुन बनाने का बिजनेस हम गांव से भी हम शुरू कर सकते हैं, नहाने का साबुन बनाने की मशीनरी का, नहाने की मशीनरी बनाने के लिए हमने आपको विस्तार से सब समझाया है मशीन के पास, और उसमें मिक्सर मशीन रहता है वो पूरा नहाने का साबुन जो बनता है वो पूरा
स्टेनलेस स्टील मटेरियल में उसका यूज होता है। ऑल कॉन्टेक्ट पार्ट उसमें SS304 का यूज होता है। मिक्सर मशीन में मशीन मिक्सिंग होता है और ट्रिपर रोल मिल में उसका मिलिंग होता है। मिलिंग होने के बाद उसको प्लोडर मशीन में से ऐसे लंबे बार निकलेंगे। ऐसे लंबे बार को छोटे टुकड़े कट करके जो ग्रामेज होगा 75 ग्राम, 100 ग्राम, 100 ग्राम जैसा भी रहेगा, तो ऐसा छोटा पीस कट करके वो फुट ऑपरेटेड स्टैंपिंग मशीन है। वो स्टैंपिंग मशीन में आप उसका डाई हम आपको बना के देंगे, तो ऐसा आपको जो बोलेंगे हम आपको ऐसा शेप बना के देंगे, उसका डाई बना के देंगे, उसका आपका लोगो, आपका ब्रांड नेम उसके अंदर छप जाएगा और आपका साबुन ये तैयार हो जाएगा। और ये साबुन बनाने के लिए मिनिमम आपको 10 से 12 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट चाहिए मिनिमम। ये छोटे से छोटा जो प्लांट है वो उसमें आप दिन भर में 250 से 300 किलो प्रोडक्शन कर पाएंगे। एक घंटे में 50 kg का प्रोडक्शन उसमें निकलता है। ये मिनिमम कॉस्ट वाला जो मशीन है हमारा उसमें, और अच्छा प्रोडक्ट बनेगा उसके अंदर। ऐसा नहीं है आप जैसे कि मल्टीनेशनल कंपनियों के पास में ये बहुत बड़ा मशीन होगा और उसमें अच्छा बनेगा। आप जैसा इंग्रेडिएंट्स डालेंगे वैसा माल बनेगा मशीन में, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। और आप जैसे जितने भी आप जैसे अपना ये देखो चीप जैसा उसका जो शेप है वैसा भी हम आपको डाई बना के दिए, और वो जो हैंड अपना वॉश बेसिंग के ऊपर फिश वाला जो शेप आता है वैसा भी आपका मछली जैसा वो भी हम आपको डाई बना के देंगे। आप जैसा बोलेंगे हम आपको डाई बना के देंगे। और ये ब्रांड एक अपना खुद का ब्रांड बना सकते हो ये मशीन लेके आप। दोस्तों नहाने का साबुन हर घर में यूज होता है, हर रोज यूज होता है, और अपना कंपनी का नाम लोगो भी बना सकते हो। जैसे डव साबुन हम बनाते हैं, लक्स साबुन बनाते हैं, लक्स साबुन भी आपको मिलता है, उसी तरह का साबुन आप बना सकते हो। उसकी भी डाई हम यहाँ आपको मिल जाएगी, तो आप उसी तरह से आप बना सकते हो। अपनी कंपनी का नाम का अपना खुद का बिजनेस साबुन बनाने का शुरू कर सकते हो। और इसमें हम कितने रुपये की कमाई कर सकते हैं? अच्छा। साबुन बनाने के में कितने रुपये की कमाई? रौनक भाई, ये नहाने का साबुन बनाने के लिए आपको मिनिमम 10 से 12 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है, और उसमें आपको एक किलो के पीछे 15 से 20 रुपया का मार्जिन मिलता है। आप शुरू में थोड़ा कम मार्जिन करके एक बार बाजार में ब्रांड नेम जमा दो, फिर बाद में आप अपना रेट थोड़ा बढ़ा सकते कर सकते हो, और आप अच्छा क्वालिटी दो, कस्टमर को आपके प्रोडक्ट के अंदर कोई फरियाद करने का मौका नहीं मिलना चाहिए, ऐसी क्वालिटी बना के दो और आप मेहनत करते जाओ, फल तो ऊपर वाला देना ही है। और हमारे कस्टमर को ये खरीदना है, पूरे इंडिया में हमारी सब्सक्राइबर है, तो उसको ये मशीन खरीदना है, तो उसको आप किस तरह की सहायता दे सकते हो? मतलब कि उसको ट्रांसपोर्टेशन या एडवांस में या किस तरह का दे सकते हो? रौनक भाई, कस्टमर इज गॉड। सही है, सबसे पहले तो कस्टमर भगवान है। आपकी चैनल के माध्यम से कस्टमर जो हमारा कांटेक्ट करेंगे, आप हमारा टेलीफोन नंबर वगैरह सब उसके अंदर डालेंगे, और वो तो आ ही जाएगा। वो कस्टमर आपका हमारे पास फोन करेंगे तो हम उनको पूरा सिस्टम समझाएंगे, तो वो हमको ऑर्डर करने के टाइम पर हमको एक 40% एडवांस, हमारा एक बेसिक जो सिस्टम है तो वो 40% अमाउंट एडवांस भेजना पड़ेगा। वो 40% एडवांस जमा होने के बाद उनका मशीन बनना चालू हो जाएगा, तो ये मशीन को ट्रांसपोर्ट में हम डाल देंगे, ट्रांसपोर्ट का हम सेटिंग करवा देंगे। आपको ये बिजनेस के अंदर एकदम नए हैं तो हम आपको एक टेक्नीशियन प्रोवाइड करेंगे, वो टेक्नीशियन आपके पास आएगा और पूरा का पूरा सिस्टम आपको फर्स्ट लेवल से लेके लास्ट लेवल तक का पूरा समझा देगा, और मशीन का चला ऑपरेटिंग सिस्टम, उसका मेंटेनेंस सिस्टम, साबुन और पाउडर या नहाने का साबुन बनाने का आपको नहीं आता है तो उसकी पूरी फॉर्मुलेशन, वो हफ्ता दिन रुकेगा और उसको आपको पूरा सेटअप कर देगा। और आपके साथ हम मशीन बेचने के बाद हम कोई ऐसा बस हो गया बात हो गया ऐसा नहीं है, आपके पास आपका प्रोडक्शन निकल जाए तब तक हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। और आफ्टर सेल यानी कि आपका एक साल में तो कोई प्रॉब्लम आएगा तो कंपनी उसमें मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होगा तो आपको पूरा गारंटी मिलता है, लेकिन आपको आफ्टर 5 ईयर भी कुछ प्रॉब्लम होता है
तो हमारी कंपनी से आपको मेंटेनेंस का कोई भी पार्ट चाहिए तो आपको मिल जाएगा, जो भी चार्ज रहता है वो नॉमिनल चार्ज में हम आपको सप्लाई कर सकते हैं, या तो कोई पार्ट खराब हो गया आप हमको मंगवा सकते हो। ये मशीन और कच्चा माल खरीदने के लिए कंपनी के नाम, मोबाइल नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, वहीं से आप बहुत ही आसानी से इस मशीन को खरीद सकते हो। यानी कि एक साल तक इस मशीन की वारंटी रहेगी, सही है ना? यस सर। इसके बाद भी उसका जो मेंटेनेंस खर्च है बहुत ही लो है, और वो भी आपको यहाँ आपको मिल जाएगा, कॉस्टली ज़्यादा नहीं रहेगी। और हमारे कस्टमर आप कहीं पर हो, ऐसा नहीं कि गुजरात में हो, गुजरात के बाहर भी आप बिना टेंशन के, कोई भी परेशानी के बिना आप साबुन बनाने का बिजनेस शुरू कर सकते हो और मशीनरी खरीद सकते हो। बहुत ही ये विश्वासपूर्ण है और आपको पूरा सपोर्ट, पूरा सहयोग देंगे। जब तक आप बिजनेस शुरू नहीं कर सकोगे, इसमें प्रॉफिट नहीं कमाओगे, तब तक हम सहायता करेंगे। ये बिजनेस करते करते 30 ईयर्स हो गया और हमारा करीबन 3000 से ज़्यादा मशीन पूरे इंडिया लेवल पे, यानी कि अहमदाबाद गुजरात को भी साथ में लेके पूरे इंडिया लेवल में हमारा मशीन चलता है। 3000 से ज़्यादा मशीन हमारा चलता है और करीबन 20 से 25 कंट्री में हमारा एक्सपोर्ट हो चुका है। सही है, आप समझ सकते हो दोस्तों कि ये बहुत ही बड़ा बिजनेस कंपनी है, आपको हर तरह की सहायता दे सकती है। बहुत ही पुरानी है, उसको सभी तरह की एक्सपीरियंस है कि साबुन बनाने की मशीन में कौन कौन सी दिक्कतें आती है, और इसी तरह से उन्होंने ये मशीन बनाया कि आपको कोई भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी और आप आराम से आप पैसा कमा सकते हो। हितेश भाई, हमारा जो कस्टमर है वो खरीदना चाहे तो आप उसका लोन करना चाहे तो किस तरह की आप सहायता कर सकते हैं? सपोर्टिंग के लिए क्या है कि हम कस्टमर को उनके नाम का, जो नाम से उनको लोन लेना है उनके नाम का हम कोटेशन बना के देंगे। वो अपनी बैंक में जाके ये कोटेशन दिखा के, अभी आजकल बहुत सारी योजनाएं चल रही है, प्रधानमंत्री योजना और बहुत सारी मुख्यमंत्री योजना सब जगह पे, ये सब जगह पे चल रही है, सब्सिडियां भी चल रही है, तो ये वैलिड है हमारा कोटेशन। वो कोटेशन में जाके उसका पूरा प्रोजेक्ट लगा के अपना लोन ले सकते हैं। हम नहीं जानते और आप देना चाहते हो हमारे कस्टमर को साबुन बनाने के बिजनेस में, क्योंकि आप तो बहुत पुराने हो, आपको सभी तरह की जानकारी है और दिक्कतें क्या आती है, इसमें क्या क्या रुकावटें हैं वो भी आप जानते हो, तो हमारे कस्टमर को आप देना चाहते हो तो दे सकते हो, ताकि वो उसको सही इन्फॉर्मेशन मिले, बिजनेस कर सके और वो भी रुक न सके, कहीं भी फंस न सके और अच्छी कमाई कर सके, कोई पैसा कहीं पर गलत जगह भी पैसा न फंस जाए, हो जाए इन्वेस्टमेंट। रौनक भाई, सबसे पहली बात तो ये आइटम जो है बहुत एवरीडे यूज होने वाली आइटम है, उसमें एक उसका ये है कि भी उनमें ये प्रोडक्ट बेचने में आपको कंपटीशन ज्यादा आएगा, लेकिन ये प्रोडक्ट यूज करने वाले पूरे देश में जितनी पॉपुलेशन है वो सारी की सारी पॉपुलेशन को यूज करने वाली चीज है ये, तो ये प्रोडक्ट का मार्केट भी बहुत बड़ा है। तो आप ऐसा मत सोचो कि ये प्रोडक्ट लेके हम आपको कोई प्रॉब्लम आएगा, खाली आप ईमानदारी से काम करेंगे, सही माल बनाएंगे तो अपना मार्केट अपने आप हो जाएगा। सही है, सही है, आपका ब्रांड नेम एक बार लेडीज के दिमाग में फिट हो गया तो वो लेडीज दुकान पे जाके आपका ही प्रोडक्ट मांगेगी। आप अच्छा माल बनाओ, वाजिब दाम दो और लालच बड़ा नहीं करो तो आपका बढ़िया काम चलेगा। और ये मैं बिजनेस बोलता हूँ कि शुरू से एकदम छोटे लेवल से आप स्टार्ट करो, और मैं आपको दावे के साथ बोलता हूँ तो मिनिमम आपके 10 से 12 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है। आज से 10 12 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट में आपकी मशीनरी भी आ गई, रॉ मटेरियल भी आ गया, पैकिंग मटेरियल भी आ गया और आपका वर्किंग कैपिटल भी आ गया। 10 से 12 लाख रुपए के बिजनेस में आप दिन भर में डिटर्जेंट पाउडर 1 टन और 500 से 600 किलो डिटर्जेंट टिकिया, तो यानी कि आपका 5000 से लेके आप 7000 तक का प्रॉफिट कमाने का हर रोज का, यानी कि आप इतने कम इन्वेस्टमेंट में ऐसा कोई बिजनेस नहीं है। ये मशीन और कच्चा माल खरीदने के लिए कंपनी के नाम, मोबाइल नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में
डाला हुआ है, वहीं से आप बहुत ही आसानी से इस मशीन को खरीद सकते हो। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर टिक करें और ऑल नोटिफिकेशन पर टिक करें, ताकि आप हर रोज बिजनेस के नए नए वीडियो देख सकें।